दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही आज 8 मई को हमारे दर्शकों के बीच में से जिनका भी शुभ जन्म दिवस है, वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ है, या फिर आपके परिवार में, आपके घर में आज किसी नन्हे मुन्ने जीव का आगमन हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसे सभी अपने साथी दर्शकों को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण वर्ष सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना हम करते हैं। दोस्तों, मैं ज्योतिषविद राजेश सहनी आप सभी को नमस्कार करता हूं और आज की राशि चाल, ग्रह चाल और ग्रह दशाएं लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज 8 मई 2020 के पंचांग पर सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे। दोस्तों, आज 8 मई की एक विशेष बात यह है कि आज से वैशाख मास का समापन हो चुका है और ज्येष्ठ मास का प्रवेश हो चुका है। तो आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:01 तक व्याप्त रहेगी। इसके पश्चात द्वितीया का संचरण हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र माना गया है, प्रातःकाल 8:38 तक संचरण करेगा। इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र, जिस पर शनि का आधिपत्य है, प्रवेश करेगा। आज वरियान योग है, जो कि दोपहर 12:57 तक संचरण करेगा। इसके पश्चात परिध नाम के योग का प्रवेश होगा। अभिजीत मुहूर्त, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन के अभिजीत मुहूर्त के कालखंड की गणनाओं के बारे में बताते आ रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन का वो कालखंड होता है जिसमें हम स्थायी महत्व के समस्त प्रकार के शुभ कार्यों का निष्पादन बिना पंचांग शुद्धि के कर सकते हैं। तो आज अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:35 से संचरण करेगा, जो कि 12:28 दोपहर तक रहेगा। इसके अलावा आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बड़ा विशिष्ट माना गया है। यह भी महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए, नए कार्यों को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज सबसे प्रमुख बात यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग 8 मई को पूरे दिन रात संचरण करेगा। 8:38 प्रातःकाल से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन प्रातःकाल 5:30 तक संचरण करता रहेगा। यानी कि पूरा दिन और पूरी रात हम सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं राहु काल, जो कि अशुभ योग माना गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का किया जाना निषेध कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। यह आज प्रातःकाल 10:22 से प्रारंभ होगा और 12:01 पर संचरण करेगा। यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहा है कि अभिजीत मुहूर्त 11:35 से प्रारंभ होगा, इसी अवधि में राहु काल भी रहेगा। तो हमारी सलाह है कि राहु काल दोपहर में 12:01 पे समाप्त हो जाएगा, इसके पश्चात ही अभिजीत मुहूर्त को लेना तर्क संगत होगा। यानी कि अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:35 से प्रारंभ हो रहा है, उसे हम 12:01 से लेकर 12:28 तक की अवधि में अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाली अवधि में, जो कि अभिजीत मुहूर्त के प्रारंभ होने वाली है, उसमें राहु काल लगा रहेगा। इसलिए राहु काल को अवॉइड करना ज्यादा उचित होगा। इसके बाद हम आज की ग्रह स्थितियों पर एक नजर डालते हैं, ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। तो आज चंद्रमा ने अपना राशि परिवर्तन किया है। कल तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहा था, आज चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक में दिन रात संचरण करेगा। सूर्य उच्च राशि मेष में संचरण कर रहे हैं, बुध सूर्य के साथ मेष राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में संचरण कर रहे हैं, शुक्र अपने स्वग्रह वृषभ में संचरण कर रहे हैं, शनि देव अपने स्वग्रह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु देव अपनी उच्च राशि मिथुन में संचरण कर रहे हैं, तो केतु धनु राशि में पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी संचरण करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपकी राशि पर, आपकी राशि चाल पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो देखते हैं आज 12 राशियों का राशिफल। प्रारंभ करेंगे हम राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल
बहुत अच्छी स्थिति में है, हमने कल भी आपको बताया था, राशि से एकादश स्थान में आपको भरपूर लाभ देने जा रहा है। मेष राशि वालों को इन 45 दिनों की अवधि का मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। सूर्य बुध, सूर्य मेष राशि में ही संचरण कर रहा है, बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, दूसरी मेष राशि वालों के लिए ये बड़ी अनुकूल स्थिति है, लेकिन आज का दिन आपके अनुकूल नहीं है। चंद्रमा का संचरण राशि से अष्टम स्थान में थोड़ा स्वास्थ्य विषयक मामलों में आपको जागरूक रहने की, सतर्क रहने की सलाह आज की ग्रह स्थितियां दे रही हैं। वाद विवादों में ना पड़ें, अनचाहे कामों में अपनी टांग ना फंसाएं, किसी से पैसा लेन देन में भरपूर सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। ये ग्रहों के संकेत हैं आपके लिए, और आप यदि इनको फॉलो करेंगे, इनका पालन करेंगे, थोड़ा सतर्कता पूर्वक, थोड़ा सावधानी पूर्वक आज के दिन को व्यतीत करेंगे तो सामान्य तरीके से दिन निकल जाएगा। अनावश्यक रिस्क के कामों से, जो स्वास्थ्य, आर्थिक, पारिवारिक किसी भी विषय से संबंधित हो, आपके लिए बचना आज उचित होगा। अब राशि चक्र की दूसरी राशि पर आते हैं, वृषभ राशि। राशि का स्वामी राशि पर से संचरण कर रहा है, वृषभ राशि पर से ही संचरण कर रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्च कुछ ग्रह आपको करवा रहे हैं, इससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि खर्चों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन्हें होना होता है वो होकर रहती है, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनावश्यक और ऐसे खर्च जो गैर जरूरी हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, ये हमारी सलाह है। चंद्रमा आज आपके बेहद अनुकूल है, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो आपका पारिवारिक हो, आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति जो कि वृषभ राशि के हैं और किसी प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल है। पारिवारिक सपोर्ट रहेगा, आपके पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, व्यापार व्यवसाय भी सामान्य रूप से ठीक ठाक चलेगा। अब हम व्यापार व्यवसाय का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे शहर में रियायत दी गई है, ग्रीन जोन में आने के कारण लॉकडाउन खुल गया है कुछ टाइम के लिए, तो एक सामान्य आदमी भी अपने व्यापार व्यवसाय की ओर ध्यान दे रहा है। राशि चक्र की हम तीसरी राशि पर आते हैं, मिथुन राशि पर। राशि पर से ही राहु का संचरण हो रहा है, जो कि अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, मिथुन उनकी उच्च राशि मानी गई है। राशि का स्वामी राशि से एकादश स्थान में बुध के साथ गोचर, माफ कीजिएगा, सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी राशि अब बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान होने वाली है और काफी सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि वालों पर देखने को मिलेंगे। आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है आपके, आपको भी अनावश्यक रिस्क उठाने से बचना चाहिए, वाहन चालन में सावधानी बरतनी चाहिए, किसी को पैसा देने का प्रयास ना करें। यदि कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो कम से कम अगले 2-3 दिनों के लिए उसको अवॉइड करें। कहीं से यदि पैसा आ रहा है आपका तो उसे आप ले सकती हैं, लेकिन देने से आपको बचना चाहिए। मूड खराब हो सकता है, किसी की कोई बात बुरी लग सकती है, ज्यादा तनाव ना लें और आराम करने का प्रयास करें, अपने आप को रेस्ट देने का प्रयास करें तो आपका दिन अनुकूल होगा। राशि चक्र की चौथी राशि पर हम आते हैं, कर्क राशि, जिसका कि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम स्थान में गोचर कर रहा है, बहुत शुभ संकेत है ये। आपकी राशि चाल अन्य ग्रहों की भी अनुकूल है, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अनुकूल जाएगा। आप काफी प्रफुल्लित, ऊर्जावान और हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अभी बहुत संभावनाएं हैं, एक बुरा दौर था जो कि गुजर सा रहा है या गुजर चुका है, धीरे धीरे ये कुहासा छट रहा है और अब हम जो है नए सिरे से अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। प्रफुल्लित आप रहेंगे ही, संतान आपको प्रसन्नता देगी। सिंह राशि, राशि का स्वामी तो भरपूर ऊर्जावान है, प्रकाशमान ग्रह सूर्य अपनी उच्च राशि में, राशि से नवम स्थान में बुधादित्य योग बना रहा है, बुध के साथ संचरण कर रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आप धार्मिक, आध्यात्मिक गतिविधियों में संलिप्त रह सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई अनुष्ठान या आयोजन, तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। बड़े बुजुर्ग, परिवार के वरिष्ठ जन आपका सहयोग भी करने को आतुर हैं, आपकी मदद करने के लिए उनके हाथ हमेशा खुले हुए हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है, बहुत ज्यादा यत्र तत्र भ्रमण करने से आपको बचना चाहिए। वाहन आदि चालन में भी सावधानी की अपेक्षा है।
ध्यान रखें अपनों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, बहस ना करें, ऐसी कोई बात उन्हें ना बोलें कि उन्हें बुरी लग जाए और आपके संबंधों को प्रभावित करें। यह आज के दिन की प्रायिकता में आपके लिए होना चाहिए। यदि इतना कर सकेंगे तो आपका दिन सामान्य निकल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि। राशि का स्वामी, जैसा कि हम आपको पिछले दिनों से बताते आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। राशि से अष्टम स्थान में संचरण कर रहा है। कन्या राशि वालों के लिए हमारी बराबर सलाह रही है कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य विषयक मामलों पर ध्यान दें, मेडिकल चेकअप कराएं, दवाओं मेडिसिन का जो आप यदि रेगुलर लेते आ रहे हैं तो उन्हें रेगुलर ही लेते रहें, उन्हें ब्रेकअप ना करें। आज का दिन आपके बेहद अनुकूल है। आपका परिवार, आपके मित्र, आपके बच्चे सभी आपके सहयोग के लिए आतुर हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आप बड़े सक्रिय महसूस करेंगे, आप आज के दिन सक्रियता दिखाएंगे। अपने जो भी काम है, चाहे वो आपके ऑफिशियल काम है, चाहे वो आपके व्यापारिक मैटर है, आप उसमें पर्याप्त एक्टिव रहना पसंद करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आराम करने के दिन अब लद चुके हैं, अब एक्टिव होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई भूमिका अब तैयार करने की आवश्यकता आ गई है। कुल मिलाकर दिन अनुकूल है। दिन की अनुकूलताओं का लाभ कन्या राशि वालों को आज लेना चाहिए। अगली राशि राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि पर हम आते हैं। राशि का स्वामी शुक्र राशि से अष्टम स्थान में। जिन्हें पेट संबंधी विकार हैं, डायबिटीज है, यूरिनल संबंधी कोई प्रॉब्लम है या फिर लीवर जैसी छोटी मोटी यदि समस्याएं भी हैं तो उन्हें पर्याप्त प्रकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतते रहेंगे तो सब कुछ संभला रहेगा। इसके अलावा आज का दिन राशि से दूसरे स्थान पर चंद्रमा का संचरण आर्थिक मामलों के लिए बहुत अनुकूल है। आर्थिक पक्ष आपका आज कुछ सुदृढ़ हो सकता है या अगले एक दो दिन में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कहीं के कुछ पुराने पेंडिंग पेमेंट्स या पुराना धन या पुरानी ऋण अदायगी आपको आज हो जाए। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, वाणी की कठोरता से बचें, दिमाग को ठंडा रखने का प्रयास करेंगे तो दिन आपके अनुकूल रहेगा। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अभी अभी राशि परिवर्तन कर चुका है, राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहा है। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इन दिनों आपके लिए अपेक्षित होगा। परिवार में किसी भी प्रकार का, आपके घर में जहां पे आप रह रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस वगैरह का भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बन सकता है आपका, जो अगले 45 दिनों में पूरा हो सकता है। यदि ऐसा कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसके लिए यह अच्छा समय है। राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में है लेकिन चतुर्थ स्थान में, इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेशन दे रहा है। आज का दिन आपके लिए लगभग लगभग सामान्य जाएगा, बहुत शुभ नहीं होगा तो बहुत अशुभ भी नहीं होगा। आपकी राशि पर से चंद्रमा का संचरण हो रहा है जहां पर चंद्रमा अपनी नीच स्थिति में माना जाता है। थोड़ा सा हो सकता है आप डलनेस महसूस करें, आपको लगे कि मुझे आराम की आवश्यकता है, आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा आप नेगेटिव नहीं होने पाएंगे, ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको रेस्ट करना, आराम करना आवश्यक होगा। अब हम राशि चक्र की नौवीं राशि पर आते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति जो कि राशि से दूसरे स्थान में। आपके आर्थिक मामलों पर पूरे तरीके से नजर रखे हुए है, उन्हें बढ़ाने या घटाने दोनों तरीके का प्रयास कर रहा है। स्थिति मई के मध्य तक सुधार में आएगी, ये मैंने पिछले कई दिनों से आपकी राशि वालों के लिए बताया है। आज का दिन राशि से बारहवां चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है, घर से बाहर निकलने का प्रयास कम ही करें। गर्मी भी बढ़ रही है, तापमान में भी वृद्धि हो रही है, ऐसा ना हो कोई गर्मी का या धूप का स्ट्रोक आपको लगे, इसलिए आप घर से कम बाहर रहें या एक जगह पर बैठ के अपने कार्यों का निष्पादन करने का प्रयास करें। अनावश्यक खर्च बहुत ज्यादा संभावना लग रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्च आपके सामने आ जाए और ना चाहते हुए भी जबरन आपको करना पड़े, कोई बात आपके अनुकूल ना हो, कोई परिस्थिति आज आपके अनुकूल ना हो तो शांत रहकर मौन रहकर उसे गुजर जाने देने का प्रयास करें। एक दो दिन में सब सामान्य हो जाएगा क्योंकि दिन और ग्रहों की चाल कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हम राशि चक्र की दसवीं राशि पर आते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी
बहुत अच्छी स्थिति में है, राशि पर से ही संचरण कर रहा है, और साथ में है नीच के बृहस्पति, मंगल राशि पर से निकल चुका है जो दूसरे भाव में आ गया है राशि से, इसलिए थोड़ा सा क्रोध और आवेग पर मकर राशि वालों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आप इन दिनों काफी एनर्जेटिक भी हो सकते हैं। आज का दिन आपके बहुत अनुकूल है, आपके परिजन, आपके दोस्त यार, आपके शुभचिंतक आपको कोई शुभ समाचार दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके हितों का, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। आपके अधीनस्थ यदि वो कार्यालय में है या फिर आपके व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में है, वो भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। लाभजनक स्थितियां बनने की संभावना है, कहीं से आपको अप्रत्याशित लाभ की सूचना मिल सकती है या इस तरह के लाभ के अवसर अगले एक दो दिनों में आपके पास आ सकते हैं। अब हम आते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी राशि से 12वें स्थान में, हमने पहले भी आपको बता रखा है, ये एक सुखद स्थिति नहीं है लेकिन कुछ दिनों के बाद परिवर्तित हो जाएगी। शनि जब वक्री होंगे माह के मध्य में, तो आपको इस घटना से राशि से 12वें शनि के वक्रत्व में आने से कम आप लोगों को कुछ राहत मिलेगी। कुंभ राशि वालों को आज का दिन आपके लिए सामान्य जाने वाला है, आप अपने काम पर ही पूरा फोकस करेंगे, उस पर ही आपका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप यहां वहां के गतिविधियों में ज्यादा संलिप्त आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं हो पाएंगे। अच्छी बात है, अपने कार्य में रहते हुए, अपने काम में लगते हुए पूरे दिन को आप अच्छे तरीके से कार्यों को भी अंजाम दें और दिन को भी व्यतीत करें, हमारी शुभकामनाएं। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है जो कि राशि से एकादश स्थान में गोचर कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ा सा यहाँ पे बुरा ये है कि राशि का स्वामी आपके नीच राशि का है। लाभजनक स्थितियां मीन राशि वालों के लिए बनेंगी, कोई नया काम, नई शुरुआत जीवन में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर समय है और आज का दिन भी आपके बहुत अनुकूल है। भाग्यवर्धक प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, किसी भी काम को करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड ऐसा आपको लगेगा कि हमारे भाग्य ने हमारा सपोर्ट किया है, हमारा सहयोग किया है। आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे। आर्थिक स्थिति भी आज अच्छी दिखाई दे रही है आपकी, या कुछ आर्थिक लाभ के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दिन शुभताओं से परिपूर्ण और अनुकूल है, समय का लाभ है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल और राशिचाल। हमारा भी निवेदन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को दबा दें ताकि हम ग्रहों संबंधी डेली के अपडेट्स, आपकी राशिफल, राशिचाल, ग्रह स्थितियां लगातार रोज आप तक पहुंचाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम विदा लेना चाहेंगे, कल तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।